आज खाने को आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा पराठा रोल। अंडा पराठा रोल बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 2 चमचा मैंने घी लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक और जितना ज़रूरत होगा उतना पानी इस्तेमाल करूँगी। हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ और 2 चमचा घी का डाल रही हूँ। और इनको अच्छी तरह से फिर मिला लूँगी। और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदूंगी। पांच मिनट हो गया, मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद मैं इस तरह करके और 5 मिनट के लिए इसे रख दूंगी। एक पेड़ा ले लिया और इसको मैं इस तरह साइडों से दबाऊंगी। दबाने के बाद खुश्की लगा के और इनको अच्छी तरह गोल बेल दूंगी। लेने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी और थोड़ा सा जरा सा खुश्की लगाऊंगी। लगाने के बाद इनको इस तरह रिंग में गोल इस तरह, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह बढ़ाऊंगी। ये देखिए बढ़ा लिया। अब इनको अच्छी तरह से इस तरह में रोल करके और इनको पीछे की तरफ ऐसे दबा दूंगी, इस तरह सारे बना लूंगी। इस तरह मैंने चारों बना लिया है और इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। अभी घी लगाऊंगी इसमें और लगाने के बाद ये रख के और इसको मैं इसकी मदद से इसको बढ़ाऊंगी बेलन की मदद से। और इनको इस तरह से उठाऊंगी, इस तरह उठा के और तवे पे ले, अब इस तरह मैं डालूंगी और डालने के बाद इनको मैं इस तरह थोड़ा फैला दूंगी। और आग बिल्कुल हल्की रखिएगा, बिल्कुल तेज नहीं कीजिएगा। जैसे ही अंदर से ये पक जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो मैं इसको साइड चेंज कर दूंगी। अच्छी तरह हो गया, मैं इनकी साइडें चेंज कर दूंगी और नीचे से भी पकने दूंगी। अच्छी तरह हो गया, अब इसमें मैं घी लगाऊंगी और आंच बिल्कुल हल्की रखूंगी और ऊपर से फिर मैं ये अंडा इसके ऊपर अंडा डाल दूंगी और आहिस्ते आहिस्ते चलाती रहूंगी ताकि नीचे से बिल्कुल गोल्डन हो जाए। जैसे ही नीचे से गोल्डन हो जाएगा मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अब देखिए नीचे से बिल्कुल गोल्डन हो गया, मैं इनको तवे पे डालूंगी और इस तरह करके और फिर इनको इस तरह मैं हल्की आंच में इन्हें पकाऊंगी और थोड़ा सा घी और डालूंगी ताकि अंडा अच्छी तरह से पक जाए और इनको फिर इस तरह मैं दबाऊंगी ताकि अंडा बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए और गोल्डन कलर भी आ जाए नीचे की साइड। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह हो गया। अब देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत हुआ ना। अभी थोड़ा सा और रखूंगी
अब ये हो गया है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे उतार लूंगी। मैं गार्निश करूंगी मैं प्याज से, प्याज ऐड कर रही हूँ और टमाटर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, पुदीना ऐड कर रही हूँ और थोड़ा नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ। और फिर इस पर टमाटर चटनी डाल रही हूँ और ये ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल रही हूँ और फिर इनको अच्छी तरह इस तरह दबा के इस तरह दबा दूंगी। दबाने के बाद कोयल रखूंगी और इसको आधा दूर तक इसको ऐसे करके इनको अच्छी तरह और फिर इनको साइडों से दबा दूंगी। अब ये आपका एग रोल बनके तैयार है, अंडा पराठा रोल बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।